अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस एस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपना नया कोर्स एम टी एस डी से का लेक्चर नंबर 1। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है आपका लॉजिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले इसमें बता रहे हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है। तो जिस तरीके से आपका सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो डिस्क्रीट के मीनिंग होते हैं, अगर आप मीनिंग करके सर्च करेंगे तो इसके मीनिंग होते हैं अलग, यानी दो चीज़ों में कोई डिफरेंस फॉलो करना, यानी कोई दोनों चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस फॉलो करना है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, यानी कोई चीज़ वाजे करना, ठीक है। देखें इसका ग्राफ, देखें यहाँ आपको ये शो करें कंटिन्यूस नहीं, इसमें गैप आ रहे हैं, यानी एक अलग अलग शो कर रहे हैं, एक डिफरेंस आ रहा है, एक अलग तरीके से शो कर रहा है इसको। देखें यहाँ पर डॉटेड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट, ये हो गया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या होता है, क्योंकि सीक्वेंस में चलना हो, ठीक है। अब हमारे जो कैलकुलस होती है वो कंटिन्यूस है, इसमें हमें फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूला पुट करते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं, क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो ऐसे नहीं है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऐसी है कि एक लॉजिक पे बेस है, यानी कि आपको इसमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। डिस्क्रीट ऐसा ये ब्रेक करके चलते हो, सिंपल स्पेलिंग के एक एक स्टेप जो है बहुत सोच सोच के चलते हैं, यानी देखें एक स्टेप दिया फिर रुक गया, एक स्टेप दिया रुक गया, सिंपल आप उस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रीट का ग्राफ, ये हो गया कंटिन्यूस का ग्राफ, ठीक है। कंटिन्यूस क्या होता है, मूविंग कंटिन्यूसली, इसको बोलेंगे मूविंग, ठीक है। तो ये हो गया सीधा जा रहा है। अब तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे फर्स्ट कह रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, उसमें जो आपका कांटा आता है सुई, वो होती कंटिन्यूस है, इतनी स्पीड से आप चलाते हैं ना कि उतनी कंटिन्यूस से जारी होती है, स्लो करते हैं तो स्लो हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है, कंटिन्यूस मूवमेंट रहती है, ठीक है। अब इसके बदले में डिस्क्रीट क्या होगा, डिस्क्रीट जहाँ पर मीटर, यानी मीटर पर आपकी रेटिंग लिखी होती है, वहाँ पर डिस्क्रीट अगर आप नोट करें तो उसमें गैप होता है बीच में, होती है 40-50 किलोमीटर, तो वहाँ की स्पीड होती है, तो उसमें क्या हो गया डिस्क्रीट और ये क्या हो गया कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। इंटीजर्स ये होते हैं कि इसमें जो है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, वो आपको इंटीजर्स होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3 और -0, 1, 2, 3 और 1, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर भी वही होते हैं लेकिन ये होते हैं, इसमें जो होते हैं फ्रैक्शंस की वैल्यू बताएंगे, फ्रैक्शन हो गए आपके, पाई की वैल्यू हो गई, अपॉन की वैल्यू हो गई, सही, ठीक है। तो रियल नंबर्स में वैल्यू आती है, इंटीजर्स में ये नहीं आती, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंस। अब आप देखें, अगर आप इसको ग्राफिकली देखें, यहाँ पर इन्होंने लाइन शो नहीं की और ये बल्ब के इसमें शो की गई, उसका मतलब कि इंटीजर्स में यहाँ शो नहीं की, यानी ये हो गया डिस्क्रीट, क्योंकि डिस्क्रीट ये है अलग अलग, यानी 0 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद 2 आ रही, 0 के बाद 0.1, 0.2 नहीं आ रहा है, पाई की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ, यानी अपॉन की फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आ रही, तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन शो नहीं की, तो क्या हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया, यानी ठीक है। और सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, यानी कि एक कंटिन्यूस में चल रहा है, 0.1 लेकिन बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। फिर यहाँ माइनस भी आ सकता है, -1, -2, -3, ठीक है, -2, इस तरीके से अगर मैं यहाँ जाकर मैं जितना चाहूँ रेडियन और रियल नंबर, तो π/2, √2 इस तरीके से वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर हमारे क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया, और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया, हमारे पास डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। अब देखें व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेफिनेशन में लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप, ठीक है। वही बात के इंडिविजुअल स्टेप, यानी ढेर सारे स्टेप को देखते हुए चलना, यानी सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप, यानी एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाना, सीक्वेंस में जाना कि क्या चीज़ में फॉलो करनी, तो क्या होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी एक एक स्टेप को सीक्वेंस में लेकर चलना, तो आपका क्या हो गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा लॉजिक्स हैं, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक इज अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वैलिड एंड वैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। एक लॉजिक है, उसके लॉजिक जो है या तो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, एक आर्गुमेंट आपको दे रहा है उसकी, या तो लॉजिक होगी या लॉजिक नहीं होगी, एक सेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल सिस्टम में क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, देखिए या तो वो सेंटेंस जो है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो दोनों नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। स्टेटमेंट ऑल्सो रिफर्स टू प्री पोजिशन, स्टेटमेंट को हम प्री पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट का यहाँ एग्जाम्पल इसमें दी है, 2+2 क्या होता है 4, ठीक है। हमें पता है 2+2, 4 होता है, ठीक है। यहाँ 2 और 2, 22 नहीं है, यहाँ है 2 और 2, 4, ठीक है। तो क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक। अब देखें इट इज़ संडे टू डे, अगर देखें अगर आज संडे होगा तो डेफिनेटली क्या है, इट इज़ संडे टू डे, तो आप बोलेंगे ट्रू है, ठीक है। अब आप आ गए हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं फर्स्ट करें अगर आज मंडे है, अगर वो बोलते हैं इट इज़ संडे टू डे, तो क्या मतलब, फिर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इफ आर प्री पोजिशन इज टू, वी से डेट डेट हैज़ अ ट्रू वैल्यू ऑफ टू, ठीक है। प्री पोजिशन अगर टू है तो क्या होगा, वो ट्रू वैल्यू होगी, तो क्या होगा, वो ट्रू होगा, ठीक है। अगर प्री पोजिशन क्या है, फॉल्स है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू
अच्छा ट्रू एंड फॉल्स, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से और फॉल्स को हम करते हैं एफ से, ठीक है। मैं लिखा हुआ है टी एंड एफ, ठीक है। आप आगे हैं, आपको एग्जाम्पल दी हुई है प्रीपोजिशन, ठीक है, और नॉट प्रीपोजिशन। अब देखें प्रीपोजिशन क्या है, ग्रास इज ग्रीन, आप सबको पता है कि ग्रास जो है ग्रीन होती है, येलो तो होती नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा ट्रू, एक साइंस दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब देखा फोर प्लस टू क्या होता है, सिक्स होता है, हमें सबको पता है कि भाई फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब देखें फोर प्लस टू है जो सेवन नहीं होता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आप देखें देयर आर फोर फिंगर इन अ हैंड, अब देखें इसमें जो है ये पहली नहीं है यहाँ पे, अगर आप पहली बोलेंगे भाई कि हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं तो आप बोलेंगे फोर फिंगर, अगर फोर फिंगर होती हैं तो इस तरीके से फिर ट्रू होना चाहिए, और पाँच पाँच मार होता है थम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज नहीं, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ देयर आर फोर फिंगर्स इन अ हैंड, ठीक है। तो फोर्स में होती है फाइव फिंगर्स होती हैं हमारे, ठीक है, थम को मिला के फाइव फिंगर होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो फोर्स में होता है फाइव फिंगर होती है, तो यहाँ पहली ने कहा यहाँ पहली होगी भाई कि अगर यहाँ अगर पहली होती है यहाँ पर देर फोर फिंगर्स इन हैंड, तो हम बोलते हैं हाँ यार फोर फिंगर्स में ट्रू, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि फोर फिंगर्स इन हैंड तो हमारे पाँच फिंगर्स होती हैं, तो हमारी तो ट्रू होगी, अगर यहाँ फोर तो यहाँ फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉट प्रीपोजिशन क्या होता है, क्लोज द डोर, ठीक है। अब उसने कहा क्लोज का डोर, अब कौन सा डोर, किसका डोर, कहाँ का डोर, ये हमें नहीं पता, तो सेंटेंस नहीं बनना एक, ठीक है, एक लॉजिक नहीं बननी, तो क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। अब एक्स इज ग्रेटर देन टू, ठीक है, एक्स जो है वो टू से ग्रेटर देन है, ठीक है, बात सही, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, हमें पता ही नहीं, एक्स वैल्यू वन है फाइव है, अगर एक्स वैल्यू फाइव हो तो हम बोले नहीं भाई गलत है, वन हो तो भाई हम बोले सही है, ठीक है। तो हमें मालूम ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज ग्रेटर देन टू क्या है, फॉल्स, हमें नहीं पता लॉजिक क्या है इसकी, ठीक है। पीएस का रिच, ठीक है भाई वो रिच है, लेकिन कौन रिच है भाई, बिल गेट्स रिच है, मैं रिच हूँ, कौन रिच है, ठीक है, हमें मालूम ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अब आ गए रूल क्या होता है, आप देखें आपको बता रहा है एग्जांपल, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन, वही वाली बात, एक्स इक्वल टू वन क्या हो गया, फॉल्स, हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ग्रेटर देन टू, हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। वह कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन टू इज अ स्टेटमेंट विद ट्रू वैल्यू फॉल्स, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपको। अब ठीक है, अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, सो मैंशन कर दिए कि बिल गेट्स एक नाम बंदा बैठा, हमें पता है बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर, ठीक है, बिल गेट्स एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल इन अमेरिका, वो एक अमेरिकन है, ठीक है। तो क्या बाकी अमेरिकन है, ट्रू कर लिया, वो कह रहा है ही इज वेरी रिच, अब देखें यहाँ पे ही इज वेरी रिच फॉल्स है, तो यहाँ पर मालूम नहीं था, अब वो कह रहा है कि बिल गेट्स का लिंक यहाँ से है, ठीक है, ही इज वेरी रिच, तो क्या हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बिल गेट्स की, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि क्या बिल गेट्स क्या बाकी रिच है, तो क्या होगा, ट्रू। अब देखें ही इज वेरी रिच इज अ स्टेटमेंट विद ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। आ गया अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट को हम और मजबूत करते हैं अंडरस्टैंड, किस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहा है एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव, एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हमें मालूम ही नहीं है, जब एक्स की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या हो गया, इनवैलिड स्टेटमेंट है, यानी फॉल्स को आप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखा नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखें मे आई कम इन, ठीक है भाई तुम आ जाओ, लेकिन कहाँ हो, क्लास में, पार्क में, किस जगह पे, हमें कोई मेंशन नहीं है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन वो क्लियर नहीं है, तो मे आई कम इन कहाँ पे, तो क्या हो गया, इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्या हो गया, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो आप आगे हैं लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, लॉजिक कोई भी लॉजिक होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, फालतू नहीं होती, ठीक है। तो लॉजिक एक कॉमन सेंस वाला सवाल आपसे कह सकते हैं, तो लॉजिक क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रू, ठीक है, इट इज़ हॉट टूडे, ठीक है, एक स्टेटमेंट है इट इज़ हॉट टूडे, अगर आज बाकी गर्मी हो तो हम क्या बोल देंगे, इट इज़ हॉट टूडे, बाकी एक स्टेटमेंट है हाँ भाई, इट स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस फैक्ट ग्रेटर दैन जीरो, बाकी माइनस की वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ी होती है, ये फैक्ट है, ट्रू है, इसकी कोई लॉजिक मतलब है नहीं, एक पता है हमें, एक कॉन्स्टेंट चीज़ है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम देखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स प्लस फाइव, अगर एक्स प्लस फाइव में हाँ यहाँ होता है एक्स सिक्स होता है वाई सिक्स होता है, तो हम बोलते हैं हाँ बाकी ट्रू है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता ही नहीं क्या है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस या स्टेटमेंट कहने इसको, कंपाउंड अगर आप इंग्लिश में बात करें, कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसको एक से ज़्यादा सेंटेंस को कंबाइन कर दिए जाए, यानी अगर टू सेंटेंसेस कंबाइन कर दिए जाए, टू और मोर सेंटेंस कंबाइन टुगेदर एंड मेक का कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे देखें आप वो कह रहा है कि आप उस सिंपल समझाने के लिए क्या एग्जांपल दे दिया आपको, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, थ्री प्लस टू होता है फाइव होता है, एंड लाहौर इज अ सिटी इन पाकिस्तान, दो सेंटेंस को मिला रहा है कि तीन और दो होते हैं पांच, और लाहौर क्या है, सिटी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब आगे हैं, आगे कह रहा था ग्रास इज ग्रीन और इट इज़ हॉट टू, वो कह रहा है कि भाई ग्रास ग्रीन भी होती है और क्या आज गर्मी भी है, ठीक है, दो सेंटेंस को वो मिला के कह रहा है। अब देखें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तो क्या दो सेंटेंस को वो मिला के कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप गौर करें, आप सिंबल दिए हैं एंड और नॉट, ये क्या है, ये आगे आपको अगर समझाएगा, आप इसी सेंटेंस को, इसी वर्ड को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस यूज़ करेगा आगे, ठीक है। देखिए एंड और नॉट आर कॉल
लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। ठीक है, अगर किसी ने CS 202 पढ़ी हो, ठीक है, तो इसको एंड और नॉट को बोलते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़े लिया आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़े तो सलाह दूंगा क्या है। ठीक है, एंड और नॉट जो CS जिनसे दोनों बोलते हैं गेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, अब इनके सिंबल्स क्या होते हैं, देखें सिंबल्स तो एक चार्ट दिया हुआ है, आज आपको समझाया हुआ है कि स्टेटमेंट और सिंबल की रिप्रेजेंट बाय लेटर सच एज PQNR। ठीक है, अब स्टेटमेंट फर्स्ट करें कि 100 स्टेटमेंट है। ठीक है, अब 100 स्टेटमेंट को अगर मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम कीवर्ड्स कर लेते हैं, इसको सिंपल दे देते हैं कि भाई अगर मैं पी बोलूँगा तो इसका मतलब ये है, अगर मैं क्यू बोलूँगा इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने वही किया हुआ है कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल पाकिस्तान। अब फर्स्ट करें अगर 100 सेंटेंस मुझे यूज़ करना है, आप मैं 100 मतलब तो नहीं लिखूँगा इस्लामाबाद इज द कैपिटल पाकिस्तान, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा पी लिख दूँगा और मैं पी को कर दूँगा डिलीट। का पी की मीनिंग क्या है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल पाकिस्तान, मैंने क्या मतलब क्या, मैंने बोला पी इसे, तो मेरा कहने का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद जो है कैपिटल है पाकिस्तान। ठीक है, इस तरीके से आ गया था यहाँ लिखा है क्यू, क्यू के मतलब क्या है, 17 इज डिविजल बाय 3। ठीक है, 17 जो है डिविजल बाय 3 के है, क्योंकि ये फॉल्स है वैसे तो, लेकिन स्टेटमेंट क्या है क्यू, यानी इसका मतलब क्या है, क्यू बोलूँगा तो इसका मतलब ये है। ठीक है, आप आ गए हैं, आगे आपको एक टेबल दिया हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको देख लेते हैं। आप देखें यहाँ दिया हुआ है कनेक्टिव दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, कॉल दिया हुआ है। ठीक है, नेगेशन, नेगेशन क्या होता है, नेगेशन होता है इसकी मीनिंग होती है नॉट। ठीक है, नॉट, और सिंबल क्या होता है इसका टिल्डा, या इसका सिंबल टिल्डा। ठीक है, तरीके से आगे हैं कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है इसकी बिलिंग होते हैं एंड। ठीक है, और सिंबल क्या होता है इसका हैड, इसको बोलते हैं हैड। ठीक है, इस तरीके से आप आगे आते हैं बोलते हैं दिस जंक्शन, ये क्या होता है इसकी बिलिंग होते हैं और, इसका सिंबल क्या होता है यानी उल्टा कैप कह लें इसको वेल। ठीक है, इसी तरीके से आगे आता है क्या कंडीशनल, इसकी बिलिंग होते हैं इफ टैन, इसका सिंबल क्या होता है एरो। ठीक है, फिर क्या होता है बाई कंडीशनल, क्या होता है इफ एंड ओनली इफ, तो इसका सिंबल क्या होता है डबल एरो। ठीक है, डबल एरो हो गया आपका चार्ट, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो आपको आता आया हुआ है। यहाँ पर देखना है एग्जाम्पल दीजिए, आप देखें पी के हमारे पास इक्वल है इस्लामाबाद से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्यू क्या है 17 इज डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये है, अब देखें पी क्यू, पी एंड क्यू, देखें इस सिंबल क्या शो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एंड। ठीक है, तो ये सिंबल हमारे शो कर रहा है एंड, देखिए पी एंड क्यू, देखें इस्लामाबाद से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पी एंड क्यू, इसकी मीनिंग क्या हो गया, भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पी जो है इस्लामाबाद से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, ये मालूम है, एंड 17 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ये सेंटेंस उसने आपको सिंबल के फॉर्म में आपको कह रहा है। तो ठीक है, तरीके से आप आ गए हैं, तो पी देखें सिंबल दिया हुआ और, इसको क्या होता है वेल, तो पी वेल क्यू, इसकी मीनिंग क्या है भाई, इस्लामाबाद से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो आपको कोई भी स्टेटमेंट को सेंटेंस को कहने के लिए सिंबल में भी आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये किया हुआ है पी नॉट, ठीक है, पी टिल्डा, टिल्डा की मीनिंग क्या है नॉट, क्या नहीं है, पी क्या इस्लामाबाद से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी क्या पी नॉट, क्या इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो कहना चाह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट सिंबल सबको शो कर रहे हैं यही। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, आप आगे अगर देखें ट्रांसलेशन फॉर्म इंग्लिश को सिंबल, ठीक है, आप इंग्लिश को सिंबल में चेंज किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर लेट कर लिया पी क्या है, इट इज़ हॉट, पी क्या है यानी मैं बोल रहा हूँ पी, मैंने क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इट इज़ हॉट, और क्यू क्या है इट इज़ सनी, यानी मैंने कहा पी क्यू, पी क्यू क्या मतलब इट इज़ हॉट एंड इट इज़ सनी। ठीक है, सेंटेंस में देखें आप लिखा हुआ है इट इज़ नॉट हॉट, क्या इट इज़ नॉट हॉट, तो उसको मैं सिंबल जो पता है कि हॉट क्या पी है, अब क्या नॉट का सिंबल क्या होता है नॉट का होता है ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया सिंबल लिख दिया टिल्डा और लिख दिया पी, इसका मीनिंग क्या होता है इट इज़ नॉट हॉट। ठीक है, अब नंबर टू पॉइंट में क्या है इट इज़ हॉट एंड सन, इट इज़ हॉट एंड सनी, अब मुझे पता है हॉट क्या है पी और सनी क्या है क्यू, और क्या लिखा है इसमें इट इज़ हॉट एंड सनी, एंड का सिंबल क्या होता है हेड, तो मैंने क्या लिख दिया पी हेड क्यू। ठीक है, तो ये हो गया, इसी तरीके से तीनों आके इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, आगे हैं, आगे क्या एग्जाम्पल दी हुई है, आप यहाँ पर लेट के लिए एस के जया इज़ हेल्दी और डब्ल्यू के जया इज़ वेल्दी, एस के जया इज़ वाइस। ठीक है, आप देखें यहाँ लिखा है जया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइस। ठीक है, आप मुझे पता है जया इज़ हेल्दी क्या है एच और वेल्दी क्या है डब्ल्यू। ठीक है, यानी एच डब्ल्यू बट नॉट वाइस, जया इज़ हेल्दी एंड वेल, यानी एच डब्ल्यू एंड क्या है मेरे पास यानी एच हैड, यानी सिंबल लाऊंगा यानी एच हैड डब्ल्यू, यानी जया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइस, अब नॉट का सिंबल क्या मेरे पास, नॉट का सिंबल ये रहा मैं लगा दिया नॉट, और मेरे पास क्या है वाइस, वाइस नहीं है, तो मैंने क्या किया वाइस लिख दिया। यहाँ पे देखें बट की जगह ये सिंबल दिए गए, बट की जगह ये सिंबल दिए गए। ठीक है, सिंबल में थोड़ा इशू आ सकता है, तो अब आप ये देखें कि अगर आप दोबारा देखें जया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी, तो मैंने लिख दिया जया क्या एच और वेल्दी क्या डब्ल्यू, तो एच ठीक है एच ही सिंबल आ गया हमारा हेड, एच हेड डब्ल्यू आ गया। देखें बट नॉट वाइस, तो बट का सेंस यही बन रहा है कि बाबा ये कहना चाह रहा है कि हेड है। ठीक है, बट क्या यानी एंड कह रहा है, यानी क्या है बट एंड, एंड क्या है नॉट, यानी क्या है नॉट
नॉट वाइज, ठीक है, सही सही हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया, ये हो गया। अब आप आ गया ट्रांसलेटिंग फॉर्म सिंबल्स टू इंग्लिश, ठीक है, आप यहाँ पे कर लिया लेट एम इज इक्वल टू अली एज गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, सी क्या है, अली एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, आप इसको ट्रांसलेट करना है। देखें, अब आपको सिंबल दिए मैं, आप आपको सेंटेंस में चेंज करना है, ये सिंबल होता है नॉट का, नॉट सी, उसका मतलब क्या हुआ, अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, देखें अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, सी सिंबल दिया हुआ और भी दिया हुआ, ठीक है। अब ये सिंबल किसका होता है, सिंबल होता है इसका और का होता है, ठीक है, वेल, तो इसका मतलब क्या, वही कहना चाह रहा है कि सी और एम, यानी कि अली इज अ कंप्यूटर स्टूडेंट और गुड इंट मैन, ठीक है, तो इस तरीके से भी ये शो किया जा रहा है। तो अब आप आ गए हैं यहाँ पर, यह आपको ट्रुथ टेबल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लें ट्रुथ टेबल क्या होता है, ठीक है। देखें ट्रुथ टेबल में कह रहा है कि नेगेशन का ट्रुथ टेबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, इसको मतलब नॉट, इसका नाम होता है टिल्डा, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। इफ़ पी इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल देन नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी नॉट पी इज डिनोटेड एस पी, ठीक है। तो वही कह रहा है भाई अगर पी है, ठीक है, पी अगर वो कसकर ये पी है, नेगेशन पी है, अगर वो पी ना हो, यानी ठीक है ना पी, उसको हम शो करेंगे नॉट पी, ठीक है, बस ये दो सिंबल्स यहाँ दिए हैं, ठीक है। इट हैज़ अपोजिट ट्रू वैल्यू ऑफ पी इफ पी इज ट्रू, वो कह रहे हैं कि पी ट्रू, यानी अगर पी जो है हमारा ट्रू हो, ठीक है, देन पी नॉट इज फॉल्स, अगर यहाँ ट्रू होगा उसका मतलब क्या होगा, पी नॉट का होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इफ पी इज फॉल्स, यानी कि अब अगर ये पी फॉल्स हो, ठीक है, तो देन पी नॉट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यानी अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में ये कह रहा है। अब जिन्होंने सी एस तीन से दो पढ़ी है तो उनको बताओ कि इसको इसको हम कहते हैं इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर इन्वर्टर गेट होता है, इसमें क्या होता है, जब जीरो होगा तो वन हो जाएगा, वन होगा जीरो होगा, यानी क्या, जीरो हो वन, वन होगा जीरो। देखिए यहाँ पे इसमें एक वैल्यू दी हुई आपको पी, अब अगर इसको किस तरीके से मैं मालूम किया जाए, पी पावर दी हुई वन, ठीक है, तो क्या हो गया वन, यानी टू की पावर वन दी हुई हमें, क्या हो गया टू, यानी टू आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, सिर्फ टू इसकी वैल्यू हो सकती है, यानी टू या फॉल्स, ठीक है। आप देखें ये एक हो गया दो, टू फॉल्स, ठीक है। जिन्होंने सी एस दो पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, अभी आप आगे आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें, आप लिख दिए पी और नॉट पी, तो अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो इसी से आपके टेबल हो गया, ठीक है। आप आगे आगे आपको दिया कंजक्शन दिया हुआ है, कंजक्शन का सिंबल होता है ये, ठीक है, और इसके अंदर आपको दिया, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। अब देखें आपको कह रहे हैं इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट देन द कंजक्शन पी एंड क्यू इज पी एंड क्यू डिनोटेड एस पी ए क्यू, ठीक है। अब पी क्यू आपको दो वेरिएबल दिए हैं, आपको दो वेरिएबल दिए, इसका मतलब क्या होगा, टू की पावर टू क्या हो गया, फोर, यानी फोर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, यानी क्या होगा, टू 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 फॉल्स, फॉल्स टू फॉल्स फॉल्स, यानी जिनमें सी एस की से दो पड़े होगी उन्हें समझ में आ रहा होगा, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है, यानी फोर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, यानी टू 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 फॉल्स, फॉल्स टू या फॉल्स फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो देखें आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अब वो कह रहे हैं कि रिमार्क्स पी क्यू इज टू ओनली वन बोथ पी एंड क्यू आर टू, वो कह रहे हैं भैया अगर पी क्यू टू हो ओनली वन बोथ पी एंड क्यू आर टू, वो कह रहा है भाई अगर पी और क्यू के वाले दोनों ट्रू हों तो क्या हो, ट्रू हो जाए, देखें यहाँ पे ट्रू हो जाए, वो कह रहे हैं पी और क्यू इज फॉल्स और बोथ आर फॉल्स एंड पी क्यू इज फॉल्स, वो कह रहा है भैया अगर पी और क्यू में से एक फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो तो क्या हो, दोनों तो सारे फॉल्स हो जाते, देखें यहाँ पे यही काम दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर तुमने सी एस तीन से दो पढ़ी है तो उनको याद करने का तरीका ये है, पर लेकिन यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल जो एंड इस्तेमाल हो रही है वो और की होगी, देखें यहाँ पे जीरो वन वन वन, तो इसमें क्या होता है, जीरो 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 होता है, जीरो वन वन होता है, वन जीरो वन होता है, वन वन क्या होता है, वन होता है, तो भैया आप देखना इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे हैं, आगे दिया गया आपको डिस्टिंक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको इसको मैंने बोला गया और इसको यहाँ बोला गया वेल, इसका सिंपल होता है बी, ठीक है। अब कह रहे हैं पी एन क्यू आर स्टेटमेंट के अंदर डिस्टिंक्शन ऑफ पी एन क्यू इज पी ओ टू डिनोट एस पी पी, ठीक है, तो पूरा वही दिया हुआ है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है भाई पी एन क्यू इज टू वन एटलीस्ट वन ऑफ पी और क्यू इज टू, वो कह रहा है भाई कि पी और क्यू की वैल्यू है ट्रू उस वक्त हो, जैसे पी ओ क्यू कोई भी हमसे कोई भी एक ट्रू ट्रू हो जाएगा, आप देखें पी क्यू में देखें दोनों टू है ट्रू, टू फॉल्स देखें देख टू है ट्रू हो गया, फॉल्स में टू टू है तो ट्रू हो गया, ठीक है। और कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ पी ओ टू, आप आगे कह रहे हैं पी ओ क्यू इज फॉल्स ओनली वैन बोथ पी एन क्यू आर फॉल्स, वो कह रहे हैं बोथ पी एन क्यू फॉल्स हो तो उनको लिख दो फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ पी ओ क्यू इज टू, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सिंपल, इसको आपको याद किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखें जिन्होंने सी एस तीन से दो पढ़ी है, इसको मैं आपको पहले उनको मैं समझा रहा हूँ कि सी एस तीन से दो जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए आसान है। अब देखें इसमें देखें कंजक्शन में क्या होता है, तो देखें आप सिंपल देखें कंजक्शन के मीनिंग में कंजक्शन यानी दो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा, तो इसके मीनिंग में आप देखें क्या होता है, कंजक्शन ही ऐड कर रहा है, तो आपने क्या किया सिंपल आपने और लॉजिक अप्लाई कर जीरो वन वन वन, चलिए आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है उसका अपोजिट हो रहा है, तो ये तो हो गया सी एस तीन से दो जिनके लिए बहुत ही आसान हो गई है। तो आप आएँ जिनमें सी सी एस तीन से दो नहीं पढ़ी तो उनके लिए क्या करना, देखें यहाँ पे आप देखें अगर आप आगे आएँ यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एंड में कि यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों में आप नोट करें तो यहाँ पे ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स यानी ट्रू 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 हो रहा है फॉल्स 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 हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पे जो है 2 2 2 हो रहा है आपका, ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2, यहाँ पे जो है फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स हो रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आके देखें आप, यहाँ पे भी 2 2 2 हो रहा है और यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सपोज इन किस पेपर में आता है आप उसका ट्रुथ टेबल बना और आप भूल कर, तो आपको पता है भाई कि दोनों में क्या ट्रू 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 होता है और फॉल्स 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 होता है। अब मसला आएगा भाई कि फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू दोनों में से किसमें फॉल्स है ट्रू, तो इसमें बहुत से तरीके याद करने के लिए भाई कि आप देखें, तो यहाँ पे आपको सिंबल दिया गया कंजेशन का सिंबल क्या है ये, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, ये सिंबल है, सिंपल से ये यानी चार्ज वाले फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी बचा ही है। तो इसका आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इसकी सारी वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।